इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिद्दू समझा मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिद्दू समझा मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुनीत राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुनीत राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत राय है। मैं विद्युत संविदा मजदूर संगठन का प्रदेश प्रभारी हूँ। पुनीत जी, आज आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे और क्यों बैठे हैं? आज हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इसके कारण है निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन। इन्होंने एक वीसी के माध्यम से 30 तारीख को इन्होंने एक आदेश जारी किया कि 2017 का मानक लागू होगा पूरे पूर्वांचल में। अब उस मानक के लागू होने की वजह से पूर्वांचल में लगभग 1164 पावर हाउस हैं और हर पावर हाउस से 3 आदमी निकाले जा रहे हैं, तो ये संख्या 3300 से ज़्यादा होती है। इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ 18 तारीख को शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया था, जिसमें शाम को डायरेक्टर साहब से वार्ता हुई और इन्होंने ये आश्वासन दिया कि देखिए, निर्दोष कर्मचारियों को नहीं निकाला जा रहा, उन ऐसे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है जो विभाग से वेतन लेते हैं लेकिन काम निजी स्वार्थ में किसी और का करते हैं, चाहे किसी गाड़ी अधिकारी का ड्राइवर हो या अन्य किसी कार्य में लिप्त हो, विभाग का कार्य नहीं करते हैं। और हमको हमसे कहा गया कि हम आपको इस पर लिखित समझौता करेंगे और लिखित एक आदेश भी करेंगे कि ऐसे कर्मचारियों का उत्पीड़न न किया जाए जो लोग काम करते हैं, और इसके फलस्वरूप वो सोमवार को इस बात से मुकर गए कल। और हमारा एक पहले से कार्यक्रम तय था कि 18 को हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे और यदि समाधान नहीं होगा तो 22 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हमको जाना पड़ेगा, और उसी क्रम में आज हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कितने लोग भूख हड़ताल पे हैं और कितने दिनों ये आपका भूख हड़ताल चलेगा? ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और मैं बैठा हूँ, और अगर ये इसी तरह चलता रहेगा तो ये धीरे धीरे पूरा पूर्वांचल आपका यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इस सर्दी में कितने मजदूर जो है प्रभावित हुए? अभी तक तो हमको लग रहा है 1500 तक हो चुके हैं, और अगर ये जारी रहेगी तो 3500 से ऊपर जाएंगे। तो क्या उसके बाद जो है आज इससे बातचीत हुई, कुछ इस तरह से कोई आप लोगों से निष्कर्ष आया? अभी ऐसी कोई बात कोई बहल नहीं हुई अभी कोई बात। तो मांग क्या करते हैं? मांग वही है कि पहले तो 2017 के मानक आदेश वापस होना चाहिए। इसके बाद भ्रष्टाचार का आलम ये देखिए कि जो गत मार्च में निर्दोष संविदा कर्मचारी हैं, जिन्होंने हड़ताल में साथ दिया था, विभाग का काम किया था, उनकी एक सूची शक्ति भवन से अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन द्वारा यहाँ भेजी गई है जाँच के लिए कि अगर ये निर्दोष है इनको रखा जाए। इन्होंने भी जाँच के लिए यहाँ से अपने जिलों में भेज दिया, अधीक्षण अभियंताओं के पास। वो अधीक्षण अभियंता उस उनके साक्ष्य को देखने से मना कर रहे हैं। जब साक्ष्य नहीं देखेंगे तो जॉब कैसे देंगे? तो ये बहुत विकट समस्या है कि ऐसे 150 लोगों की सूची आई है और जिसको अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन ने भेजा है और उसको अभियंताओं द्वारा नहीं देखा जा रहा है, साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा पूर्वांचल में फैला हुआ है, और सबसे बड़ा ये लोग संविदा कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में 50-50 हज़ार रुपये लेकर नए आदमी रखे जा रहे हैं, फिर उनको भी 4 महीने में निकाले जाए। ऐसे कुछ ऐसे साथी बैठे हैं जो एक साल भी नहीं हुआ 50,000-70,000 अधिकारियों के माध्यम से देखे विभाग में आए और इस छटनी में निकाल दिए।